नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। हमारे खास कार्यक्रम अब तक में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार को स्पाइस जेट को एक यात्री के नुकसान के लिए उसे 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। मामले में 2012 में स्पाइस जेट ने मस्तिष्क पक्षघात से पीड़ित एक महिला को जबरन विमान से उतार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्पाइस जेट को एक यात्री के नुकसान के लिए उसे 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। मामले में 2012 में स्पाइस जेट ने मस्तिष्क पक्षघात से पीड़ित एक महिला को जबरन विमान से उतार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से संवेदनाशीलता की कमी का मामला बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिव्यांग यात्री जीजा घोष को उचित, निष्पक्ष और बेहतर देखभाल नहीं की गई, जिसकी उन्हें दरकार थी। साथ ही उन्हें विमान से उतारने का निर्णय अनावश्यक था। जस्टिस ए के सिकरी और आर के अग्रवाल की पीठ ने कहा, हमारे निर्देशों के मुताबिक स्पाइस जेट ने इस मामले में कठोरता से काम लिया और नियमों का उल्लंघन किया। इससे घोष को मानसिक और शारीरिक तकलीफ उठानी पड़ी। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो स्पाइस जेट देगा। घोष को कोलकाता में स्पाइस जेट की फ्लाइट से 19 फरवरी 2012 को उतार दिया गया था। वह एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गोवा जा रही थी। स्वराज अभियान ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए संदेहपूर्ण ढंग से वैश्विक निविदा जारी की और इसमें दूसरे विकल्पों पर गौर किए बिना 30% से अधिक का कमीशन दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य में हेलीकॉप्टर खरीद के भ्रष्टाचार होने के आरोप से इनकार किए हैं और कहा है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता स्वराज अभियान के संस्थापकों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के रमन सिंह ने हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए उस कंपनी को $15 लाख बतौर कमीशन दिए, जिसका पंजीकरण टैक्स चोरी के पनागाह माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हुआ था। विवाद में रमन सिंह के बेटे अभिषेक का नाम जुड़ा। दोनों ने अगस्ता वेस्टलैंड विवाद से रमन सिंह के पुत्र अभिषेक को जोड़ते हुए कहा कि अभिषेक ने 3 जुलाई 2008 को ट्वेट्स हाइट्स लिमिटेड नामक कंपनी बनाई थी और इसके करीब 6 महीने पहले राज्य सरकार की ओर से शॉप ओशन नामक एजेंट कंपनी को भारी भरकम भुगतान किया गया। इस मामले की जांच के लिए एनडीए सरकार की तत्परता का स्वागत करते हुए भूषण और यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किए गए सौदे की जांच देश के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सुझाए किसी पूर्व न्यायाधीश से कराई जाए। रेल विभाग ने सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर को ट्रेन के जरिए 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी भेजने और इसके परिवहन शुल्क के रूप में वहां के जिला कलेक्टर को 4 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। मध्य रेलवे में महानिदेशक एस के सूद ने बताया, हमने प्रशासन के आग्रह अनुरूप लातूर जिला कलेक्टर को बिल भेजा है। सूद ने कहा कि यह जिला प्रशासन पर है कि वह इसे अदा करे या उचित माध्यम से इसे माफ करने का आग्रह करते हैं। हमने उनके आग्रह अनुसार जल परिवहन बिल भेज दिया। जलदूत के नाम से पानी की पहली ट्रेन पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र मिराज से 11 अप्रैल को चली थी और तकरीबन 342 किलोमीटर का फासला तय कर अगले दिन 12 अप्रैल को लातूर पहुंची थी। पहले 10 वैगन की ट्रेन चली थी और उनकी 9 खेप पूरी होने के बाद 50 वैगन वाली ट्रेन चलाई गई थी। सरकार विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। इंटरनेशनल स्तर पर रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी वारंट के समान ही है। विजय माल्या ने अपनी मर्जी से खुद को डिफॉल्टर घोषित किया था। रेवेन्यू अधिकारियों ने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्जदारों को किंगफिशर बिल पर कब्जे की अनुमति दे दी है। माल्या के किंगफिशर बिल की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए हैं। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी माल्या के प्राइवेट जेट को 29 जून को नीलाम करेगा। इसके लिए 20 से अधिक खरीदारों ने इच्छा जताई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग की अपराध शाखा के अंतर्गत बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का केस चल रहा है। कांग्रेस की चुनाव रणनीति विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर उतारने जाने की सिफारिश की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका सक्रिय भूमिका निभाए। केवल परिवार के चुनाव क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर मायावती और अखिलेश यादव के सामने नहीं खड़ा करना चाहते। संभव है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे दी जाए और वो ना केवल रणनीति बनाए बल्कि चुनाव से पहले ही कम से कम 300 प्रचार सभाएं भी संबोधित करे। ऐसे में वो ना तो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो ना ही किसी अन्य पद की दावेदार, केवल मुख्य चुनाव प्रचारक रहें। इस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस गठबंधन बनाम अन्य बन सकता है। धीरे धीरे प्रियंका लाओ देश बचाओ के नारे को कांग्रेसी अपना समूह गान बनाने लगे हैं। चूंकि प्रदेश में कांग्रेस लकवाग्रस्त स्थिति में है, नेतृत्व का मानना है कि प्रियंका का चुनाव प्रचार कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का एक जरिया हो सकता है। वक्त हो चला छोटे सा ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। धन्य धन्य।